हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉक बाबा। और दोस्तों, स्ट्राइकर सिचुएशन की बात करेंगे आज चेल्सी की। और एंड इट लुक्स लाइक कि लुकाकू इज चेल्सी बाउंड, रोमेलु लुकाकू हैज डिसाइडेड टू जॉइन चेल्सी, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और बहुत दिनों से रूमर्स चल रहे थे कि अर्लिंग हालैंड के लिए जा रहे हैं, डॉर्टमंड नहीं मान रही है, शायद मान जाएं, क्रेजी बिड, क्रेजी ऑफर, ये सब लगेगा डॉर्टमंड को मनाने के लिए कि वो हालैंड सेल कर दें चेल्सी को। बट मैं इसीलिए थोड़ा सा इस सिचुएशन पे अभी तक इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मैं चाह रहा था थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, और क्लैरिटी दोस्तों मिल गई है। आई थिंक इट इज़ सेफ टू से कि लुकाकू इज़ रिटर्निंग होम, ही इज़ कमिंग बैक टू चेल्सी आफ्टर 7 ईयर्स। तो पहले डील की बात कर लेते हैं दोस्तों। डील जो है वो थोड़ा सा डेफिनेटली इट्स ऑन द हायर साइड। शुरू में जब हमने पढ़ा कि इंटर ने रिजेक्ट कर दिया था 100 मिलियन प्लस मार्कोस अलोंसो का ऑफर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 130 मिलियन के अराउंड उनको चाहिए। तो 130 मिलियन फॉर लुकाकू आई थिंक इज ऑन द हायर साइड, क्योंकि अगर हम लुकाकू को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 4 या 5 साल का, तो बाय द टाइम हिज कॉन्ट्रैक्ट फिनिशेज वो 33-34 के हो जाएंगे। तो रीसेल वैल्यू उनकी कुछ रहेगी नहीं जब, बिकॉज स्ट्राइकर 32-33 की उम्र में, मतलब अपने मोस्ट ऑफ द स्ट्राइकर्स अपने प्राइम पे नहीं रहते, और उतनी ही वैल्यू बनाना उस केस में पॉसिबल नहीं होता लुकाकू। बट टॉकिंग अबाउट द सैलरी पैकेज, तो 12 मिलियन यूरो का सैलरी पैकेज है जो ऑफर किया जा रहा है, जैसा रिपोर्ट्स में आ रहा है। 12 मिलियन यूरोस की एनुअल सैलरी पे नेगोशिएट करने के लिए रेडी हैं रोमेलु लुकाकू। और अभी जो उनका एनुअल सैलरी इंटर में था वो अराउंड 7.58 मिलियन ऐसा कुछ था, तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट उस पर। और अगर आप इसको पर वीक में कन्वर्ट करेंगे तो 220-230 के पर वीक आता है दोस्तों। तो काफ़ी मतलब अच्छा ये डिसीजन है, क्योंकि एक आपको एलीट प्लेयर आ रहा है, प्लस आप उसको अपना हाईएस्ट पेड प्लेयर नहीं बना रहे, जो अर्लिंग हालैंड के केस में हमको डेफिनेटली करना पड़ता, क्योंकि हमको पता है कि मीनो रायोला जहां भी अपने प्लेयर को लेके जाते हैं वो कोशिश करते हैं, एंड स्पेशली फिर अ सुपरस्टार या फ्यूचर में आप एक जनरेशनल प्लेयर बनने वाले हैं अर्लिंग हालैंड टाइप, तो आपको फिर वो अपना स्पॉट को उनको सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ 21 साल के हैं और उनके सामने अभी उनका पूरा करियर है। ऑल दो ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट उन्होंने अभी तक से टॉप फ्लाइट में 1.5 सीजन नहीं खेला है। तो इतना बड़ा गैम्बल लेना जिससे टीम हार्मनी भी डिस्टर्ब हो जाए, क्या सही होता? तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा डील है बोथ चेल्सी और लुकाकू के लिए। और दोस्तों, इससे एक चीज़ बढ़िया होती है कि कांटे विल स्टिल रिमेन अर हाईएस्ट अर्नर और लुकाकू आएंगे, तो मतलब सही है। तो ये तो जो एक वेज स्ट्रक्चर है वो हमारा डिस्टर्ब नहीं हो रहा, और एक एलीट स्ट्राइकर के लिए ऐसा फाइनेंशियल पैकेज तो बनता ही है दोस्तों। तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, जो सैलरी पे और जो पर्सनल टर्म्स पे ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एग्रीमेंट हो सकता है, तो वो अगर यही है तो काफ़ी सही नेगोशिएशन है ये। दूसरी बात, अभी अभी रिपोर्ट्स आई हैं थोड़ी देर पहले कि जो इंटर है दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट अ बिड ऑफ 110 मिलियन, और इंटर ने ऑलरेडी 85 मिलियन प्लस मार्कोस अलोंसो की जो बिड थी समवेयर अराउंड दैट फिगर, ऐसा रिपोर्ट आया था कि वो रिजेक्ट कर दी थी पहले। तो 110 मिलियन आई थिंक इट्स ओके, बट आई स्टिल थिंक इट्स ऑन द हायर साइड। तो फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से बहुत मिक्स फीलिंग्स है मेरे अंदर, बट ठीक है, इफ वी आर गेटिंग एन एलीट स्ट्राइकर तो मतलब सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि जिस तरीके की हम फुटबॉल खेल रहे हैं और जिस तरीके का फ्रंट थ्री है थॉमस टूकल के अंडर, तो अगर आप देखेंगे प्री सीजन में भी आप देखें हमने कितने सारे चांसेस हम बनाते हैं। एक जो हमको फ्रंट थ्री के लिए एक लिंच पिन चाहिए होता है अटैक का, जो थोड़ा होल्ड अप प्ले करे, उस प्रोफाइल का स्ट्राइकर हमको मिल रहा है। मेरे हिसाब से लुकाकू विल फिट परफेक्टली इन आर सिस्टम, और क्योंकि ऑब्वियसली वो एक 3 एट द बैक सिस्टम में ऑलरेडी खेलते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। थॉमस टूकल का जो सिस्टम है वो एंटोनियो कोंटे के 3 एट द बैक वाले से थोड़ा अलग है, बट स्टिल ही नोस कि कैसे काम करता है ये सिस्टम और उनका रोल क्या होगा। एंड थॉमस टूकल भी काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं रोमेलु लुकाकू को, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि व्हाट थॉमस टूकल कैन डू विद रोमेलु लुकाकू। प्लेयर प्रोफाइल की बात करें दोस्तों, तो काफ़ी इंप्रेस किया है लुकाकू ने पहले प्रीमियर लीग में। बिफोर जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड उन्होंने वेस्ट ब्रॉम के लिए एक सीजन लोन पे खेला, फिर एवर्टन के लिए एक सीजन लोन पे खेला जब वो चेल्सी के ही प्लेयर थे, बिफोर ही मेड इस परमानेंट मूव टू एवर्टन, और काफ़ी कंसिस्टेंटली गोल स्कोर किए उन्होंने। फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड में जब वो आए तो काफ़ी एक्साइटेड थे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, बट ऑल दो वो साइनिंग मेरे ख्याल से सक्सेसफुल रही नहीं। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस समझेंगे कि शायद वो एक फेलियर था कहीं ना कहीं वो साइनिंग, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ज़्यादा लुकाकू परफॉर्म किए नहीं। ऑल दो उन्होंने अपने पहले लीग सीजन में 16 गोल मारे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, बट आई थिंक क्रिटिसिज्म उनका बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर आया है कि कभी कभी इंटेलिजेंट रन्स नहीं बनाते थे, फर्स्ट टच की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कभी कभी फिनिश नहीं कर पाते थे इजी चांसेस, बड़े मैचेस में बड़ी टीम्स के अगेंस्ट नहीं चलते। तो इंटर में जाके वो सब चेंज हो गया है, अब आप उनका देखेंगे तो ही इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर व्हाट ही वाज इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। इंटर आके उनका पूरा गेम बदल गया है, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर नाउ। लुटारो के साथ, एलेक्सिस के साथ उनका लिंकअप प्ले बहुत अच्छा होता है, हकीमी के साथ उनका लिंकअप प्ले बहुत अच्छा था जिन्होंने राइट विंग से बहुत सारे चांसेस क्रिएट करे थे इंटर के लिए, और सेम आई एम एक्साइटेड टू सी कि वो रीस जेम्स के साथ क्या कर सकते हैं। तो बहुत मजा आएगा दोस्तों, आई थिंक लुकाकू इज़ अ वेरी वेरी गुड साइनिंग।
ही इज अ फॉर्मर ब्लू, और जब वो 18 साल के थे तब आंद्रलेट से चेल्सी ने साइन किया था उनको। आपको याद भी होगा दोस्तों 2013 का यूएफए सुपर कप फाइनल था जो बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट, उसमें अनफॉर्चुनेटली लुकाकू ने पेनल्टी मिस की थी और उनके उसके बाद शायद उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था, इसलिए शायद होजे मोरिन्यो ने उनको लोन पे भेज दिया था बाद में। और टू बी फ्रैंक दोस्तों, कभी चांस मिला नहीं लुकाकू को फेयर चेल्सी में, जब वो चेल्सी में थे 3-4 सीजन अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि हमने देखा कि ड्रॉगबा के जाने के बाद डिएगो कोस्टा आ गए थे टीम में और फिर डिएगो कोस्टा के बैकअप के लिए फिर ड्रॉगबा को लाया गया था एक सीजन। तो आई थिंक वो टाइम था जब हमको लुकाकू को रखना चाहिए था, ट्राई करना चाहिए था उनको चेल्सी सेटअप में, बट ठीक है उनके बाहर जाने के बाद ही वो डेवलप हो पाए, एक एलिट स्ट्राइकर में तब्दील हो गए हैं, वो एक एलिट स्ट्राइकर बन चुके हैं, बहुत डेंजरस गोल स्कोरर। यूरोज में देखा हमने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक परफॉर्मेंसेस थी लुकाकू की, बहुत इंप्रेसिव, बहुत ही अच्छा खेलने लग गए हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि क्या करते हैं लुकाकू चेल्सी आके। और दूसरा ये चीज़ है दोस्तों कि अगर आप स्ट्राइकर्स की बात करें, और इट इज़ नो सीक्रेट कि चेल्सी इतने चांस बनाती हैं और हम अपने चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाते, हम चांसेस को ले नहीं पाते और वो हमको बहुत महंगा साबित हो सकता है लॉन्ग रन में। तो चेल्सी वर इन द मार्केट फॉर अ नंबर 9, एक प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड, बट ऑप्शंस थे नहीं ज़्यादा, ओनली 3 ऑप्शंस अगर एलीट स्ट्राइकर्स की बात करें तो दोस्तों लुकाकू, केन और हालैंड। तो केन टू चेल्सी इज नेवर पॉसिबल, डैनियल लेवी कभी करते ही नहीं है चेल्सी के साथ बिजनेस, और अपने सबसे प्राइज्ड एसेट को अपने डायरेक्ट लंडन राइवल के पास तो वो आने ही नहीं देते। तो केन टू चेल्सी तो कभी कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। लुकाकू ने इनिशियली बोला था कि ही इज हैप्पी एट इंटर, इसीलिए हम अर्लिंग हालैंड के पीछे पड़े हुए थे हाथ पैर धोके, बट वो जब देखा कि लॉन्ग टर्म में और डॉर्टमंड का स्टांस देखा कि चेंज नहीं हो रहा, तो आई थिंक हमने अपना लुकाकू की तरफ फोकस शिफ्ट किया, एंड लुकाकू इज ऑल्सो नाउ विलिंग टू ज्वाइन चेल्सी। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेट्स होप कि ये डील जल्दी से रैप अप हो जिससे हम लुकाकू को सुपर कप में देख पाएं विलारियल के अगेंस्ट, नहीं तो डेफिनेटली वी विल सी हिम इन द फर्स्ट नहीं तो सेकंड गेम ऑफ द सीजन, एंड सेकंड गेम ऑफ द सीजन फॉर चेल्सी इज अगेंस्ट आर्सेनल। तो विल लुकाकू स्टार्ट दैट गेम इफ वी आर एबल टू कंप्लीट दिस डील इन टाइम। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और दोस्तों आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस डील को लेके, आपको लगता है कि हमको ऑल इन जाना चाहिए था अर्लिंग हालैंड के लिए, या हमको एक सीजन वेट करना चाहिए था, इस सीजन हम निकाल सकते थे हैवर्ट्स वर्नर से, टैमी को हमको रोकना चाहिए था और हमको नेक्स्ट सीजन जाना चाहिए था अर्लिंग हालैंड के लिए जब वो अवेलेबल होंगे फॉर 65 मिलियन ओनली, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है ये एक एलीट स्ट्राइकर के लिए, या आपको लगता है कि ये डिसीजन एकदम सही है लुकाकू को लाने का। तो जो भी आपके थॉट्स हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।